हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पूरे दिन फील्ड वर्कर हैं या फिर आपका कोई भी फिजिकल वर्क होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, या आपके जो सॉल है, आपके जो नीचे फ्लैट फुट होता है वो बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है जिसके कारण आपको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन सभी चीज़ों से आप किस तरीके से बच सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे आप करके बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं, बिल्कुल आराम महसूस कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने ये एक्सरसाइज बता रखी है, बट वो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी आपके फ्लैट फुट के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो सॉल होता है, नीचे का जो फुट होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसके अंदर कोई भी आर्च नहीं बना हुआ होता है। बट आज जो मैं बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, जिसे मैंने खुद किया, खुद महसूस किया, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसे करने से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, कोई जिम नहीं जाना, आपको कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी। यह जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप घर पे रहकर आसानी से कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको सिंपल एक बोतल चाहिए पानी की, जो फ्रिज से आप ले सकते हैं, ठंडी पानी की बोतल लेके आप अपने सॉल के नीचे रखनी है। बट आपको ध्यान रखना है, जो पानी की जो बोतल होगी उसका जो आकार होगा वो राउंड शेप में होगा, वो होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक बोतल लेनी है पानी की ठंडी, और अपने सॉल के नीचे रखना है। आपका जो सॉल है वो इसके ऊपर होगा और इसे ज़मीन पर रखना है, मगर जो सतह होगी, जो जमीन, जो नीचे की ज़मीन है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका फ्लैट फुट है वो लोगों भी कर सकते हैं, और जिन्हें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, या ओवरऑल अपने बॉडी की जो थकावट है उसे दूर करना है, तो वो लोग इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे अपने सॉल के नीचे रखने के बाद आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो इसके अंदर जो वाटर है वो ठंडा पानी होना चाहिए, बिल्कुल ना कि गर्म। गर्मियों के टाइम पर आपको ठंडे पानी से करना है, अगर आप सर्दियों के टाइम पे भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हॉट वाटर मतलब गर्म पानी भर के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक आपका फ्लैट फुट, और दूसरा आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो मसल्स हैं जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा हीटनेस, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उससे भी आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। अगर आप घर पे हैं तो आप इसे करके एक बार जरूर देखें, और उसके बाद जो भी बेनिफिट होते हैं आपको, मैं 101% कह रहा हूँ कि आपको 100% फायदा होगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो पूरे दिन की थकान है वो 10 से 15 मिनट के अंदर छूमंतर हो जाएगी। बट आपको जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जब आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो अंदर का जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। आपको 10 से 15 मिनट के बाद इस वाटर को चेंज कर लेना है, और नए वाटर के साथ आपको इस एक्सरसाइज को करना है। इससे आपकी जो काफ मसल्स है, आपकी जो लेग मसल्स है वो रिलैक्स होगी, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो भी बिल्कुल से रिलैक्स हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।